तो अगर आप भी 2 से 3 लाख रुपए के बजट सेगमेंट में अपनी छोटी फैमिली के लिए कोई सस्ती कार को मार्केट में तलाश रहे हैं और कम बजट के साथ नई कार लेने का सपना इस गर्मी के मौसम में पूरा करना चाहते हैं, तो भारत के नंबर 1 देसी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी एक बार फिर से अपनी पॉपुलर सबसे सस्ती कार वैगनआर के नए नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के साथ भारत में धूम मचाने को तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मार्केट में आजकल महंगी और सस्ती कारों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और साथ ही साथ माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की डिमांड को देखते हुए हर कोई कार निर्माता कंपनियां एक के बाद एक शानदार कंपटीशन के साथ अपनी कारों को लॉन्च करती हुई भारत में नजर आ रही है। इसी दौरान भारत की नंबर 1 कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने ही अपनी पुरानी और सस्ती कार वैगनआर को ही नए अवतार और नए लुक के साथ लॉन्च करने का निर्णय ले लिया है। बता दें कि भारत में आने वाली नई जनरेशन की वैगनआर को काफी बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। ये कार हुए ऑटो एक्सपो से लेकर अभी तक धूम मचाते हुए दिखाई दे रही है और इस बार फाइनल इस कार के रेडी प्रोडक्शन मॉडल को भारत के लिए लॉन्च जो किया जा रहा है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए वैगनआर की डिटेल के बारे में बात करते हैं, जो की खास इस कार को मार्केट में पुराने मॉडल से आपके लिए बना देते हैं, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मार्केट में वैगनआर को सबसे ज्यादा खास इस बार कार का लुक बनाने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले कार के लुक और डिजाइन की ही अगर बात कर ली जाए, तो आने वाली वैगनआर 2024 मॉडल को आप इस वीडियो के अंदर साफ साफ देख लीजिए। ये वही वैगनआर है जो कि आपके घरों में दस्तक देने आने वाली है। वैगनआर के फ्रंट लुक पे गौर किया जाए तो बड़े बदलाव के साथ इस कार में बोरिंग हेडलैम्प्स को इस बार हटा दिया गया है। कार में अब आपको स्लिक प्रोजेक्टर लाइनअप का इस्तेमाल काफी शानदार डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ मारुति सुजुकी ने ग्राहकों के लिए किया है, जिससे कार काफी अट्रैक्टिव कई मॉडल्स के मुकाबले नजर आती है। वैगनआर जैसी कार में मारुति सुजुकी ने इस बार क्रोम का काफी ज्यादा इस्तेमाल न्यू रेटिनाइन अपडेट व्हील के साथ किया है, जिसमें सुजुकी का लोगो बीच में नजर आता है और ये कार काफी खूबसूरत जिसके चलते फ्रंट लुक से एग्रेसिव दिखाई देती है। आने वाली वैगनआर को इस बार स्पोर्टी लुक भी दिया गया है, जिसके चलते कारण है इस कार का खूबसूरत स्पोर्टी लुक वाला बम्पर। बम्पर के मामले में ये कार सिल्वर लाइनर फ्रीज ऑप्शन के साथ ब्लैक आउटलेट में नजर आती है। कार में दोनों साइड इस बार फॉग लैंप की प्रणाली बिल्कुल नई नजर आती है। वैगनआर अपने पुराने मॉडल से इस बार बड़ी और चौड़ी भी है, जिसके कारण स्पेस की कोई कमी कार में नहीं रहने वाली है। जरा साइड प्रोफाइल पे गौर किया जाए तो देख लीजिए, आखिरकार वैगनआर को पुराने मॉडल के मुकाबले भारतीय बाजार के तंग रस्तों को ध्यान में रखते हुए कार में 17 इंच के बड़े टायर्स का इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव अलॉय व्हील ऑप्शन के साथ कर डाला है, जो कि सभी वेरिएंट्स में आपको मिलने वाले हैं। वैगनआर जैसी कार को और भी ज्यादा खास इस कार का ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और काफी शानदार डिजाइन बनाता है, जिसके चलते ऑफ रोडिंग का सपना इस बार वैगनआर जैसी कार को ही लेकर पूरा हो सकता है, क्योंकि आप काफी कम दामों में इस कार को घर भी ले जाने वाले हैं। आने वाली वैगनआर में नए ग्राफिक्स और साथ ही साथ जेट ब्लैक ऑप्शन और बेहतरीन नए हैंडल्स बार दोनों साइड विंग्स में एक्शन कैमरे जैसी प्रणाली भी इस कार को मार्केट में पूरी तरीके से पुराने मॉडल से खास बना देती है। जितना वैगनआर को बाहर से खूबसूरत बनाया गया है, उतना ही आने वाली ये कार अपने दमदार इंजन के साथ प्रदर्शन भी भारत में दिखाने वाली है। यानी बढ़ते पेट्रोल के दाम को चुनौती देने वाली ये कार इस बार और भी ज्यादा हाई टेक पावर 10 इंजन ऑप्शन के साथ परफॉर्मेंस और माइलेज आपको दमदार ही मिलने वाला है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए वैगनआर के जरा इंजन तथा पावर से भी आपको मिलवाए, तो आने वाली वैगनआर अपने जबरदस्त नए 2.5 लीटर के 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प प्रणाली के साथ इस बार आने वाली है, जिसके चलते भारतीय बाजार में इस नई वैगनआर का परफॉर्मेंस 240 पीएसपी की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 290 एनएम तक के टॉर्क के जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगी। आने वाली वैगनआर में इस बार 5 स्पीड EMT से लेकर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन भी मिलने वाले हैं। माइलेज और परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट में आने वाली वैगनआर अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए अभी तक जानी जाती है, मगर इस बार नए मॉडल के साथ आपको 30 से लेकर 32 के आसपास ऑल्टो जितना माइलेज आपकी चहेती और जब से ज्यादा बिकने वाली कार वैगनआर जैसे मॉडल में ही मिलने वाला है ना कमाल की बात। वैगनआर अपने लुक से तो पूरी तरीके से बदल चुकी है और स्मार्ट जमाने वाला इंजन भी इस कार वैगनआर को काफी खास बना रहा है, मगर ग्राहक आजकल काफी स्मार्ट है और स्मार्ट कंडीशन के साथ अपनी स्मार्ट कार को लेने से पहले कार में शानदार स्मार्ट फीचर्स को भी
काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और हर कोई ग्राहक भी चाहता है कि कम बजट में कार भी ली जाए और कार में फीचर्स भी हमें वही शानदार मिल पाए। तो आने वाली मारुति सुजुकी की पॉपुलर सस्ती कार वैगनार नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को इसी तरीके से भारतीय ग्राहकों के दिलों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं, यानी 10 से ज़्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी फीचर्स मार्केट में इस वैगनार को और भी ज़्यादा कई मुकाबले खास बना देती है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए वैगनार के पूरी तरीके से इंटीरियर और फीचर्स से आपको मिल जाते हैं और जानते कि क्या कुछ कार में खास इस बार नए मॉडल में मिल जाता है। आने वाली वैगनार को हम इस वीडियो के अंदर इंटीरियर के मामले में देख पा रहे हैं कि कार का डैशबोर्ड पूरी तरीके से बदला जा चुका है। ब्लैक तथा सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ वुडन का लाइनअप तक आपको इस बार वैगनार जैसी कार में मिलता है, जिसके बाद आपको हर बार बैठने के बाद इस देसी कार में ही प्रीमियम फील भी आने वाला है। वैगनार जैसी कार में दोनों साइड नए डिजाइन के ऑटोमेटिक एसी वेंट्स और साथ ही मिलने वाली ठंडी हवा के साथ कार में 1.2 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन, जो कि कई हद तक जानकारियां साझा भी करने वाला है। आने वाली वैगनार अपने 8 इंच के फुल साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑप्शन के साथ नजर आने वाली है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो के साथ एप्पल का प्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, यूवी कनेक्टिविटी कंट्रोल और वॉइस कमांड जैसे शानदार फीचर्स आपका वैगनार जैसी कार में इंतजार भी कर रहे हैं, जो कि कार के साथ आपको स्मार्ट बना देते हैं। आने वाली वैगनार में इतना ही नहीं, कार में वायरलेस चार्जिंग, स्मार्ट चार्जिंग, डीप प्लगिंग ऑप्शन, हारमोन्स के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शन तक इस कार को मार्केट में खास बना देते हैं, है ना कमाल की बात। ये तो हो गई आने वाली वैगनार के फीचर्स की बात, अब फाइनली बात कर ली जाए कार के कंफर्ट के बारे में। तो आने वाली वैगनार में सीटिंग ऑप्शन को पुराने मॉडल के मुकाबले काफी शानदार न्यू हाईटेक जमाने के साथ रखा गया है, यानी आप लॉन्ग ड्राइव हो या फिर शॉर्ट ड्राइव हो, हर बार आपको अपनी राइड में कंफर्ट भरी राइड ही मिलने वाली है। वैगनार जैसी कार में अपोर सीट्स के सेक्शन का इस्तेमाल इस बार किया गया है। इस कार में सेफ्टी का भी काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है और ग्लोबल एनसीपी से लेकर क्रैश टेस्ट मानकों के तहत कार को 5 की रेटिंग के साथ जो लाया जा रहा है। मारुति सुजुकी की कंपनी को टीन का डब्बा कहलाती थी, मगर इस बार इस कंपनी ने कमाल कर दिया, नए जनरेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी कर दिया, जिसके चलते वैगनार अपने हाई टेक अपडेट ऑप्शन के साथ नए स्टेनलेस स्टील से द्वारा डिजाइन की गई कई कंपनियों को कम बजट में बिल्ड क्वालिटी से लेकर हर चीज के मामले में टक्कर देने वाली है। ईब्री टेक्नोलॉजी, एबीएस रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक और फ्रंट कैमरा जैसे शानदार सेफ्टी फीचर्स आपकी कार में इंतजार आपका कर रहे हैं और काफी हद तक सुरक्षित भी आपको ये कार रखने वाली है। आने वाली वैगनार के फाइनली अब बात कर ली जाए लॉन्चिंग तथा कीमत की बात, तो मार्केट में आने वाली वैगनार को 29 तारीख तक लॉन्च करने की उम्मीदें जताई जा रही है। इस कार की प्री बुकिंग तो जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है। कीमत की बात कर ली जाए तो बजट में आने वाली ये कार 3.8 लाख रुपए सेक्शन प्राइस बेस वेरियंट के साथ लॉन्च की जा सकती है। वैगनार लेने का सपना आज ही पूरा कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कार को बुक कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इस बार वैगनार पे काफी ज्यादा लाइक मिलने चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।